चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और तमाम लेक्चर्स हमारे ब्लॉग पर मौजूद हैं। हर रोज़ एक नया लेक्चर अपलोड होता है, ज़रूर फॉलो करें हमें। अस्सलामुअलैकुम, आज की वीडियो में हम नया लेक्चर शुरू करेंगे, केमिकल रिएक्शंस। अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स बीइंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हाउएवर दे गिव रिएक्शंस एट हाई टेम्परेचर्स। हियर वी विल डिस्कस ओनली टू रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। अब सबसे पहले ये बात कि हमने पहले पढ़ा था कि अल्केन्स जो हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, इसका मतलब ये है कि वो उनको सैचुरेशन के लिए हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मतलब उनके रिएक्शंस होंगे लेकिन वो भी उन कंडीशंस पे होंगे जो कि ज़्यादा कह लें एक्सट्रीम होंगे, जैसे कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ठीक है। ऑल्दो सैचुरेशन का मतलब ये नहीं कि वो रिएक्शन करेगी नहीं, अब ज़ाहिर ही बात है जहाँ जहाँ आपके हाइड्रोजन मौजूद है उस कंपाउंड के अंदर, वहाँ वहाँ वो कोई भी और ऐसा कंपाउंड ला सकता है जो कि ज़्यादा स्टेबल हो, जैसे कि ऑक्सीजन आ सकती है, फ्लोरीन आ सकती है, हलाइड्स आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब वो कहता है कि हम अल्केन्स के सिर्फ दो ही मेन रिएक्शंस स्टडी करेंगे। सबसे पहला है हेलोजनेशन। अल्केन गिव्स ओनली सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अ सैचुरेटेड कंपाउंड आर रिप्लेस्ड विद सम अदर एटम्स लाइक हेलोजन इज कॉल्ड अ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब उन्होंने कहा है कि अल्केन सिर्फ और सिर्फ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करते हैं। अब सब्सटीट्यूशन बेसिकली उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें आपका हाइड्रोजन एटम जो है वो किसी और एटम के साथ रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं सब्सटीट्यूशन, ठीक है। अब उसने एग्जांपल दी है हैलोजन की। अब हैलोजन में हमने देखा था अल्काइल हैलाइड्स बनते हैं, वो सारे के सारे हैलोजनेशन से ही आते हैं। हैलोजनेशन बेसिकली हैलोजन ऐड करने के प्रोसेस को कहते हैं, और ये हैलोजन हमेशा जो है वो हाइड्रोजन की जगह आता है, कार्बन की जगह कभी नहीं रिप्लेस कर सकता, क्योंकि हैलोजन की वैलेंसी ही वन है, ठीक है। तो उसने वन वैलेंसी वाले एटम को ही रिप्लेस करना है, वो हाइड्रोजन है, ठीक है। दीज रिएक्शन आर अ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन्स। अब ये इनकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, मतलब कि जितने भी हैलोजन्स हैं सारे के सारे इस प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करते हैं, मतलब कि वो शो करते हैं कि जब भी उनका रिएक्शन होगा किसी हैलोजन के साथ तो वो हमेशा जो है वो हैलोजन को सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करेंगे हैलोजन के साथ, ठीक है। और उस रिएक्शन को, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को हम हैलोजनेशन कह देते हैं अल्केन्स, ठीक है। अल्केन्स रिएक्ट फेयरली विद हैलोजन्स इन डिफ्यूज सनलाइट ओनली, इन डार्क देर इज़ नो रिएक्शन, इन डायरेक्ट सनलाइट रिएक्शन इज़ एक्सप्लोजिव एंड कार्बन इज़ डिपॉजिटेड। अब वो कहता है कि कुछ कंडीशन हैं जिसमें ये रिएक्शन होता है। अब वो सबसे पहले तो कहता है कि जब लाइट नहीं होती, मतलब अंधेरा होता, तब रिएक्शन होता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो कंडीशन आती है जब फेयर डिफ्यूज सनलाइट होता है, फेयरली रिएक्शन होता है, मतलब कि कुछ कुछ एटम्स होते हैं जो कि रिएक्ट करते हैं और कुछ नहीं करते, ठीक है। ये डिफ्यूज सनलाइट, डिफ्यूज सनलाइट मतलब थोड़ी सनलाइट हो। उसके बाद जब डायरेक्ट सनलाइट होती है, यानी कि हम बाहर एटमोसफेयर में जाके, खुले मैदान में जाके ये रिएक्शन करते हैं, तो फिर जो रिएक्शन है वो एक्सप्लोसिव होता है, मतलब कि बहुत जल्दी होता है, ऊपर से हीट बहुत ज़्यादा इवॉल्व होती है, ठीक है। इसको कहते हैं एक्सप्लोसिव रिएक्शन। और इसमें क्या होता है कि कार्बन आपकी डिपॉजिट हो जाती है, मतलब कि कार्बन अलहदा हो जाती है, सेपरेट हो जाती है उस रिएक्शन से, ठीक है। आपको क्रम्स नज़र आते हैं, मतलब छोटे छोटे पीसेस कार्बन के ब्लैक रंग के नज़र आते हैं, ठीक है। रिएक्शन देखते हैं CH4। अब उसने मिथेन लिया जो सबसे पहला अल्केन का मेंबर है, ठीक है। अल्केन ग्रुप का सबसे पहला जो मेंबर है वो मिथेन है। उसका रिएक्शन उसने किया है क्लोरीन के साथ इन ब्राइट सनलाइट, ठीक है। ब्राइट सनलाइट में क्या होता है कि फ़ौरन रिएक्शन होता है, हमारे पास कार्बन डिपॉजिट हो जाती है, अलहदा हो जाती है, और हमारे पास 4HCl आता है। अब जो HCl यहाँ पे आता है ना, वो हमारे पास गैस की फॉर्म में आता है, ठीक है, क्योंकि सारा कुछ यहाँ पे गैसियस फेज में होता है, तो HCl भी हमारा गैसियस फेज में होता है। सिर्फ और सिर्फ कार्बन जो है वो सॉलिड होता है इस रिएक्शन में, ठीक है। इन डिफ्यूज सनलाइट अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस टेक प्लेस एंड एट ईच स्टेप वन हाइड्रोजन एटम इज सब्सटीट्यूटेड बाय हैलोजन एटम्स। उसके बाद वो कहते हैं कि डिफ्यूज सनलाइट, मतलब कि हम सनलाइट है लेकिन एक कह लेंगे एक मिरर या किसी डार्क शीट के होते हुए ना, उसके अंदर से होते हुए सनलाइट आ रही है, मतलब हम डायरेक्ट सनलाइट नहीं दे रहे, हम उसको किसी मीडियम के थ्रू पास करते हैं सनलाइट को, फिर उसको हम रिएक्शन रिएक्टेंट्स के ऊपर हम गिराते हैं उस सनलाइट को, ठीक है। अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस टेक प्लेस एंड एट ईच स्टेप वन हाइड्रोजन एटम इज सब्सटीट्यूटेड बाय हाइड्रोजन हैलोजन एटम। अब क्या होता है कि वो कहता है कि अब जो रिएक्शन है वो बाय पार्ट्स होता है, मतलब डायरेक्ट नहीं होता जिस तरह हमने पहला रिएक्शन देखा। अब क्या होता है कि बाय पार्ट्स जो है वो रिएक्शन होता है कंप्लीट, और एक एक करके जो हैलोजन आइटम है ना वो उस जो भी अल्केन होगा उसके अंदर वो आ जाता है, ठीक है। इसको हम कंप्लीट हैलोजनेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब वो कैसे होते हैं कि सारे के सारे जो हाइड्रोजन आइटम है ना वो सब्सटीट्यूट हो जाती हैं किससे, हैलोजन आइटम से। अब दोबारा मिथेन ही हम यूज़ कर रहे हैं इस रिएक्शन के लिए भी। अब मिथेन का रिएक्शन होता है क्लोरीन के साथ और डिफ्यूज सनलाइट में। अब सबसे पहले हमारे पास आता है क्लोरोमिथेन जो कि एक अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। अब इस अल्काइल हैलाइड में क्या होता है, मिथेन वो मिथेन कह रहा हूँ क्लोरीन ऐड हो जाती है और साथ में HCl अलहदा हो जाता है। HCl दोबारा बाय प्रोडक्ट बन गया हमारा, पहले भी HCl ही था जब डायरेक्ट सनलाइट थी, ठीक है। अब दूसरा, अब क्या होता है कि जो हमारे पास क्लोरोमिथेन आता है ना, ये एटम दोबारा रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, ठीक
ठीक है, इसको कहते हैं बाय पार्ट, मतलब एक दो तीन चार पार्ट्स हैं इस रिएक्शन के। दूसरे पार्ट में जो हमारा पार्ट है वो रिएक्टेंट बन जाता है, ठीक है। अब ये रिएक्टेंट जो है ये रिएक्ट करता है दोबारा क्लोरीन के साथ, हमारे पास डाईक्लोरोमीथेन आ जाता है, साथ में HCl बाय प्रोडक्ट दोबारा आ गया। उसके बाद डाईक्लोरोमीथेन आ जाता है रिएक्टेंट, इसमें क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, ट्राईक्लोरोमीथेन आ जाता है। अब ट्राईक्लोरोमीथेन है, इसको हम कॉमन लैंग्वेज में क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। अब फाइनल स्टेप में क्लोरोफॉर्म जो है वो दोबारा रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, और अब इस बार हमारे पास टेट्रा क्लोरोमीथेन आ जाता है। अब ये जो है इसकी कंप्लीट हेलोजनेशन हो गई हुई है मीथेन की। अब हमारे पास CCl4 आ गया, यानी कि तमाम तर हाइड्रोजन जो है वो तमाम तर हेलोजन से रिप्लेस हो चुके हैं, ठीक है। अगला रिएक्शन है कम्बस्टन रिएक्शन, जो कि दूसरा रिएक्शन है अल्केन का। अब हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे फ्लेमेबल होते हैं, ठीक है। इसलिए जो अल्केन्स हैं ये भी फ्लेमेबल हैं। अल्केन्स बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ऑटोमोबाइल कम्बस्टन इंजन्स डिस्पाइट डोमेस्टिक हीटर्स एंड कुकिंग अप्लाइंसेज। अब सबसे पहली बात कि कम्बस्टन है क्या, कम्बस्टन बेसिकली बर्निंग होती है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्निंग होती है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि अल्केन्स जो हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि नेचुरली ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग में हेल्प करती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि बर्न ही इस वजह से करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पे मौजूद होती है, अल्केन्स उनमें से एक है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जब वो बर्न करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देती है, और ये हमें वैसे ही पता है जनरली कि हमने पहले ही पढ़ा था कि जब हम पेट्रोल या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न करते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही आता है, ठीक है, प्लस हीट आती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कुछ की बारी में बहुत कम हीट जनरेट होती है, कुछ की बारी में काफ़ी ज़्यादा भी हो जाती है, ठीक है, यानी कि फ्लेम आ जाती है वहाँ पर। अच्छा, अब वो कहता है कि ये जो रिएक्शन है ना कि अल्केन का बर्न होना, ये ऑटोमोबाइल कम्बस्टन इंजन में होता है, मतलब पेट्रोल जब बर्न करता है तो बेसिकली एक हाइड्रोकार्बन ही बर्न कर रहा होता है ना, तो हमने ये भी कहा कि हाइड्रोकार्बन जो है वो निकला हुआ है किससे, अल्केन्स जो है हाइड्रोकार्बन से निकले हुए हैं, ठीक है, इसलिए ये हम वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और साथ में थोड़ी हीट होती है, अब जो धुआं निकल रहा होता है गाड़ी के पाइप से वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लेकिन जब एक्सेस आ जाती है ना उसकी, फिर मतलब यानी कि ब्लैक कलर का धुआं, इसका मतलब आपके इंजन में कोई मसला है। उसके बाद डोमेस्टिक हीटर्स जो हैं उनमें ये रिएक्शन हो रहा होता है जिसकी वजह से हमें हीट मिल रही होती है। उसके बाद कुकिंग अप्लाइंसेज होती हैं जिनमें ये रिएक्शन हो रहा होता है, और इन सब में क्या होता है, हम हीट जो है ना वो यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इट इज़ हाइलो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज ऑफ इट अल्केन्स आर यूज एज फ्यूल। अब वो कहते हैं कि ये जो रिएक्शन है ना अल्केन्स का, ये बहुत एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक का मतलब है जो कि हीट बहुत ज़्यादा इवॉल्व करता है, ऐसा रिएक्शन है, ठीक है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो होते हैं ना बेसिकली हमने इंडस्ट्री में ज़रा देखे हुए हैं, लेकिन ये कहते हैं कि ये ऐसा है जो जनरली भी यूज़ हो रहा है, क्योंकि हमने ऑटोमोबाइल्स की बात की, ठीक है। अब रिएक्शन क्या, CH4+2O2 गोज टू CO2। अब सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर, ठीक है, ये हमेशा ही प्रोड्यूस होते हैं जब भी कोई अल्केन या कह लेंगे कोई भी चीज़ जो है ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कोई भी हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो ये दोनों चीज़ें लाजमी बनती हैं, ठीक है। साथ में हीट होती है, हीट डिपेंड करती है कि किस कैटेगरी का है, मतलब उनके चेक करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, उस हिसाब से हीट इवॉल्व होती है। अगर ज़्यादा कार्बन होगी तो ज़्यादा हीट होगी, कम कार्बन होगी तो कम हीट होगी, ठीक है। इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देर इज इनकम्प्लीट कम्बस्टन। उसके अलावा वो बात करता है कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो, मतलब कि ऑक्सीजन और मीथेन की जो कह लेंगे क्वांटिटी है वो अनइवन हो, यानी कि मीथेन ज़्यादा ऑक्सीजन कम हो, फिर क्या होता है, फिर कहता है कि इनकम्प्लीट कम्बस्टन होती है। इनकम्प्लीट कम्बस्टन होती है कि जो हमारा प्रोडक्ट बनना चाहिए ना वो नहीं बनता बल्कि कुछ और बन जाता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट कार्बन मोनोक्साइड इज प्रोड्यूस दैट क्रिएट सफोकेशन एंड कॉजेज डेथ। अब इस केस में क्या हो रहा है कि वो कहता है कि कार्बन मोनोक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है जो कि बहुत डेडली है गैस इंसानों के लिए खास तौर पर, ठीक है। लेकिन जैसे ही कार्बन मोनोक्साइड का एयर के साथ होता है रिएक्शन तो एयर में आती है तो फौरन ही वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, ठीक है, इसलिए हमारे लिए हो जाता है। लेकिन जब वो हमारे बहुत करीब प्रोड्यूस हो रही हो ना फिर हमें बहुत नुकसान दे सकती है, ठीक है। वो कहता है कि वो सफोकेशन हो जाती है, एक तो बंदे को सांस नहीं आता क्योंकि वो बंदा इनहेल कर लेता है, लाइट गैस है तो बड़े जल्दी आराम से अंदर चली जाती है बंदे की, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास कम है, ठीक है। दूसरा ये कि डेथ भी हो सकती है कि अंदर जाके वो किसी चीज़ के साथ वाइटल ऑर्गन के साथ रिएक्ट कर ले और हमारी डेथ भी ऑकर हो सकती है, इसलिए इससे दूर रहना है, ठीक है। अच्छा, ये दो रिएक्शंस थे हमारे अल्केन्स के। इसके बाद अगला टॉपिक है यूजेस, वो हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और तमाम लेक्चर्स हमारे ब्लॉग पर मौजूद हैं, हर रोज़ एक नया लेक्चर अपलोड होता है, ज़रूर फॉलो करें हमें।